सर्दियां आते ही बाजार में आंवले बहुत ही अच्छे मिलने लग जाते हैं। आज जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी तो सब्जी वाले की दुकान पे मुझे भी बड़े बड़े और बिना दाग वाले आंवले मिल गए। तो सोचा इसे एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो खाने में तो स्वादिष्ट होगी, इसी के साथ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम जितने आंवले लिए हैं। आंवले मार्केट में आजकल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इस तरह से बड़े बड़े आंवले आप देख करके खरीद लें और इसके ऊपर दाग नहीं होने चाहिए। छोटे मोटे दाग तो होते हैं पर सड़े हुए नहीं होने चाहिए। सड़े हुए होते हैं तो हमारी रेसिपी खराब हो जाती है। अभी इन आंवलों को मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी इसको हम पोंछ लेंगे। तो कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर करके आप इसे पोंछ सकते हैं। आंवले में आप सभी जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है और सर्दियां आते ही क्या है, सभी को सर्दी जुकाम खांसी होने लग जाता है। और इसी के साथ आप जानते ही हैं आंवला अमृत फल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मैंने बातों ही बातों में सभी आंवलों को अच्छे से पोंछ लिया है। अभी यहाँ पर मैंने इडली कुकर लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। कढ़ाई यदि लेते हैं तो उसके अंदर हमारे को छलनी लगा देनी है जिससे कि आंवले हमारे अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये लगभग मैंने 2 कप जितना पानी डाला है और गैस को चालू कर देते हैं। इसी के साथ मैंने इडली का सांचा लिया है, ये सांचा इसमें रख देते हैं और जो आंवलों को हमने धो करके पोंछ के रखा था उन आंवलों को इसमें डाल देते हैं। ये मैं आपको 400 ग्राम आंवला का बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। अभी इसमें से ये भाप आने लग गई है। भाप आने के बाद में इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा करके हमें 15 मिनट तक इसे पका लेना है। यदि आप कुकर में पकाते हैं, कुकर में आप 2 से 3 सीटी तक पका तैयार कर लें, कुकर में भी ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसे पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, इसे खोल के देख लेते हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे इसका कलर भी चेंज हो जाता है। कोई भी आप चाकू ले लें, चाकू लेकर के इसमें डाल के देख लें, चाकू देखिए इजीली अंदर जा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से पके हैं। चाकू इसमें नहीं जाता है तो इसका मतलब पके नहीं है अभी तक। थोड़ी देर के लिए आप और पका लें। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, गर्म गर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी आंवले हमारे ठंडे हो गए हैं, ठंडे होने के बाद में आप देख पा रहे इसके मुँह भी अच्छे से खुल जाते हैं, अच्छे पक जाते हैं तो इनके मुँह खुल जाते हैं आंवलों का, तो इस तरह से आराम से ये अलग हो जाएंगे। इसकी फांके हमें अलग कर लेना है और गुठली है उसको अलग निकाल लेना है और आंवलों को दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। वैसे आप सभी जानते हैं कि आंवला के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। जितना विटामिन सी ऑरेंज में होता है उससे 8 गुना इस आंवला के अंदर होता है, इसीलिए आंवला हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसी के साथ आंवला हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए सर्दियों के मौसम होते ही क्या छोटी मोटी बीमारी आ जाती है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बच्चों को बड़ों को सभी को पकड़ लेता है। इस तरह से बना करके सर्दी आते ही आप रख देंगे घर में तो छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी आपको और शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, पर इसको अच्छे से उबालना बहुत जरूरी है। इस तरह से सभी आंवलों में से मैंने गुठलियों को अलग कर लिया है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है, आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके भी इसे हल्का दरदरा पीस सकते हैं। मैं मेन पाउडर नहीं बनाना है तो थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और हल्का दरदरा पीस लेंगे, एक साथ में ज़्यादा नहीं डालें। इस तरह से हमने हल्का दरदरा कर लिया, देखिए इसका मेन पेस्ट नहीं बना है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए देखिए। इस तरह से मैंने पूरे आंवला को चॉप कर लिया है, अभी इसे हम एक पैन के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी पैन के अंदर हम पूरी रेसिपी बनाएंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा बर्तन भरने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये रेसिपी मेरे दोनों बेटियों को बना करके दी थी, उन्हें इतना पसंद आया, बोली मम्मी आप अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर जरूर करना। अभी पूरे को मैंने इसमें निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने ये 400 ग्राम आंवले लिए थे, इसीलिए मैंने 400 ग्राम जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने चाकू से इस तरह से काट लिया है जिससे कि गुड़ अच्छे से गल जाएगा। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या मामदस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं और जहाँ तक हो सके महीन महीन काट के डालें। इस चीज का अभी ध्यान रखें, पैन को मैंने अभी तक गैस पर नहीं रखा है, मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे ही रखा है। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारे को पानी वगैरह नहीं डालना है, आंवला के अंदर जो पानी होता है उसी से गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। हर बार मैं ही गुड़ को कद्दूकस करती हूँ पर इस बार मैंने मेरे बेटे को बोल दिया था कद्दूकस करने का, उसने कद्दूकस तो किया नहीं और इसे बड़े बड़े पीस रख दिए हैं। तो कोई बात नहीं, बड़े पीस रह जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये भी इसमें अच्छे से गल जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर ये अच्छे से गल जाएंगे। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद में इसे ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के अंदर गुड़ है थोड़ा इसमें पिघल जाएगा और आप देखेंगे थोड़ा सा ये लिक्विड ही लगने लग जाएगा। अभी इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट के बाद में आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफ़ी पानी जैसा लगने लग गया है, काफ़ी लिक्विड हो गया है। यदि आप गुड़ को और भी ज़्यादा महीन करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड हो जाता है, इस तरह से लिक्विड हो जाना चाहिए। अभी इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गैस पर रख देंगे और गैस को चालू कर देते हैं। आँच को हमें मध्यम में रखना, ज़्यादा तेज आँच पर नहीं करना है और इसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे कि एक जैसा गुड़ पिघल जाए। थोड़ी देर में देखेंगे आपका सारा गुड़ इसमें गल जाएगा। सर्दियों में वैसे मैं मेरे घर में आंवले का अचार भी बना के रखती हूँ,
वो रेसिपी आपको सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, क्योंकि आंवला हमें अलग अलग तरह से जरूर खाना चाहिए। आंवला की चटनी भी बना करके हम खाते हैं, आंवला हल्दी और मिर्ची का अचार भी बनाते हैं। अब उस अचार को चाहे पूड़ी पराठा या खाने के साथ भी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं गुड़ देखिए गलने लग गया है और काफी लिक्विड हो रहा है। यहाँ पर मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहे तो आधा गुड़ और आधा शक्कर से भी बना सकते हैं, या आधा गुड़ या आधी मिश्री भी ले सकते हैं। गुड़ हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैं गुड़ ले रही हूँ। और सर्दियों का मौसम में गुड़ खाने से हमारे शरीर में गर्मी बनी रहती है, क्योंकि गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है। अभी इसे हम बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा चलाता रहेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से गल नहीं जाए। और जब तक गुड़ गल रहा है तब तक साइड में मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और मिक्सी के जार में 7 से 8 लौंग डाल देते हैं। लौंग डालने से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और सर्दियों के मौसम में लौंग खाने से थोड़ा सा शरीर में गर्मी भी रहती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच जितनी काली मिर्ची ली है, काली मिर्ची इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना सौंठ का पाउडर लिया है। ये सौंठ का पाउडर मैं मेरे घर में ही बना के रखती हूँ। सर्दियों का मौसम होता है उस समय मार्केट में अदरक बहुत ही अच्छा मिलता है। उस अदरक को आप लेकर के साफ धो लें और धोने के बाद में छील करके उसको चिप्स की तरह काट करके धूप में सुखा सकते हैं। अच्छे से सूख जाए उसके बाद में इस तरह से आप पीस करके रख दें, पूरे साल आप यूज कर सकते हैं। और छोटा छोटा डब्बों में भर करके रखें जिससे क्या इसका तीखापन कम नहीं हो और खाने में स्वादिष्ट लगे। ये घर में आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें 7-8 इलायची डाल देते हैं। इलायची को मैंने छीला नहीं है, छिलकों के साथ ही डाल देंगे जिसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। ये सब मसाला फ्रेश पीस के ही डालें, फ्रेश की खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। और दालचीनी का मैंने छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं, दोनों पीस इसमें डाल देते हैं और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मसाला बहुत ही अच्छे से पीस गया है और इसकी खुशबू इस समय बहुत ही अच्छी आ रही है। जब तक हमने मसाला बनाया तब तक साइड में जो गुड़ और आंवला को हमने पकने के लिए रखा था वो भी देख अच्छे से पक गया है और गुड़ अच्छे से गल भी गया है। अभी इसमें कोई गुड़ के पीस नहीं है। अभी समय आंच को थोड़ा धीरे कर लेंगे। आंच को धीरा करने के बाद में जो मसाला हमने बना करके रखा है इस मसाला को छान करके डालेंगे, क्योंकि इलायची को हमने साबुत डाला था तो इसका इलायची कचरा वगैरह कोई रह गया हो तो वो निकलना जरूरी है, वो इसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से छान करके डालते हैं, कोई बड़े पीस भी रह गए हो तो वो भी निकल जाएंगे। इस समय आंच को आपको धीरे ही रखना है। तो देखिए इलायची के ये ऊपर वाले पीस है वो बच गए। यदि आप घर में चाय मसाला यूज करते हैं तो ये चाय मसाले के अंदर डाल दें, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आंच को हमें धीरे ही रखना, तेज आंच में नहीं करना। ये मसाले डालते ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और जो भी चीज़ें इसमें डाली है वो सभी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और खास तौर से सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अभी सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। आंच को इसमें धीरे कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितनी किशमिश ली है, ये डालने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ये आपके पास हो तो आप जरूर डालें। आपके पास ब्राउन किशमिश नहीं हो तो ब्लैक किशमिश पड़ी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद अच्छा ही आएगा। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच जितना काला नमक लिया है यानी ब्लैक सॉल्ट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं, इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ 1/2 छोटा चम्मच जितना ही मैंने सादा नमक लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं और 1/2 छोटा चम्मच जितना ही मैंने जीरा लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। जीरा यहाँ मैंने कच्चा ही लिया है, भुना हुआ जीरा नहीं डालना है। ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालते हैं पर इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर लिया है। हल्दी आप सभी जानते हैं कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी का इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा पर इसका गुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हल्दी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और सर्दियों के मौसम में तो हल्दी के हम लड्डू भी बना करके खाते हैं, हल्दी की सब्जी बनाकर खाते हैं। हमारे राजस्थान की हल्दी की सब्जी तो बहुत ही फेमस है। हल्दी खाने से हड्डियाँ हमारी मजबूत रहती है, तो थोड़ी सी हल्दी इसमें एज ए दवाई जरूर डालें। हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा पर इसका स्वाद अच्छा आएगा। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देते हैं। आपके घर में जो भी मिर्ची खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर नहीं आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं करें, कोई भी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में 4 से 5 मिनट तक और पका लेना है। 4 से 5 मिनट में और भी गाढ़ा हो जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, वरना ठंडा होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी इसे पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ये आपको मध्यम आँच में पकाना है, तेज आँच में नहीं पकाना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसमें 2 नींबू का रस डाल देते हैं। 2 नींबू का रस डालने का रीज़न ये होता है कि वैसे तो आंवला खट्टा होता है पर आंवला में एक कसेलापन होता है, उस कसेलापन को कम करने के लिए इसमें 2 नींबू का रस जरूर डालें। ये डालने से इसका कसेलापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। 400 ग्राम का बना रहे हैं तो आप 2 नींबू का रस इसमें जरूर डालें। इस तरह से हमारे आंवला की ये खट्टी मीठी चटनी बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से बना करके यदि आप ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे 2-3 महीना भी खराब नहीं होती है, क्योंकि इसमें गुड़ और शक्कर होती है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है।
अभी मैं इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। ठंडा करने के बाद मैं दिखाती हूँ ये कितना गाढ़ा हो जाता है। अभी इसे रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं, पूरा ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना गाढ़ा हो गया, ये जैम की तरह गाढ़ा हो जाता है। ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैम की तरह ही आएगी। वैसे आप चाहे तो इसे ब्रेड के ऊपर लगा करके भी खा सकते हैं, पर मैं मेरे बेटे के टिफिन में इसे रोटी के ऊपर लगा करके डालती थी। इस तरह से रोटी ले लें और थोड़ा सा जैम की तरह डाल लें और इस तरह से फैला दें। इस तरह से एक रोटी के ऊपर मैं लगाती थी और दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देती थी, इसे रोल करके बेटे के टिफिन में डालती थी। तो इस तरह से बनाया हुआ उसके और उसके फ्रेंड्स को बहुत ही पसंद आता था। तो गुणों से भरपूर इस रेसिपी को आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।